कैसे जांचें त्रिभुजों की सर्वांग समता? क्या सर्वांग समता पहचानने के लिए त्रिभुजों के सभी अंगों की बराबरी दिखाना जरूरी है? हम आगे त्रिभुज की सर्वांग समता की कसौटियों को गणितीय तरीके से पता करने का प्रयत्न करते हैं। पहला, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता SAS congruence। दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उनका अंतर्गत कोण दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं और उनके अंतर्गत कोण के बराबर हो। दूसरा, कोण भुजा कोण सर्वांग समता ASA congruence। दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि एक त्रिभुज के दो कोण व उनके बीच की भुजा दूसरे त्रिभुज के संगत कोणों व उनके बीच की भुजा के बराबर हो। तीसरा, भुजा 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 सर्वांग समता SSS congruence। दो त्रिभुजों में यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के बराबर हो तो वे त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। इन तीन स्वयं सिद्ध अभिधारणाओं की कसौटियों का उपयोग करते हुए हम त्रिभुजों में सर्वांग समता पहचान सकते हैं और इनके आधार पर कुछ और नई कसौटियां पता कर सकते हैं, लेकिन पहचान तभी होगी जब इन्हें प्रमेय की तरह सिद्ध कर सकेंगे। अभिगृहित, अभिधारणा व प्रमेय एक्सियम्स पास्टुलेट एंड थ्योरम। गणित सीखते समय हम अक्सर कुछ शब्द पढ़ते हैं जैसे अभिगृहित, अभिधारणा, प्रमेय, उपपत्ति। इन शब्दों को संक्षेप में समझते हैं। अभिगृहित और अभिधारणा दोनों ही स्वयं सिद्ध होते हैं, इन्हें सत्य मानकर आगे बढ़ा जाता है और नए कथनों को रचा व सिद्ध किया जाता है। आमतौर पर तार्किक स्वयं सिद्ध कथन सभी विषयों में इस्तेमाल किए जाते हैं, इन्हें हम अभिगृहित कहते हैं। जैसे ज्यामिति में यूक्लिड के अभिगृहित इस प्रकार के हैं। एक, यदि ए बी के बराबर है और ए सी के भी बराबर है तो बी भी सी के बराबर होगा। दो, पूर्ण उसके किसी हिस्से से बड़ा होता है। ऐसे ही कुछ और अभिगृहित लिए जाते हैं। अभिधारणा, ऐसे स्वयं सिद्ध कथन जो किसी विशेष विषय से संबंधित है सामान्यतः अभिधारणा कहलाते हैं। हालांकि अभिधारणा व अभिगृहित को अक्सर पर्यायवाची भी मान लिया जाता है। ज्यामिति से संबंधित कुछ अभिधारणाएं यह हैं। दिए गए किन्हीं दो बिंदुओं से एक रेखा खींची जा सकती है जिस पर वे दोनों बिंदु होंगे, या किसी भी रेखाखंड को अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। प्रमेय और उपप्रमेय, वे ऐसे सभी गणितीय कथन जो इन सभी अभिगृहितों, अभिधारणाओं और परिभाषाओं का उपयोग करते हुए तार्किक रूप से सिद्ध किए जाते हैं प्रमेय कहलाते हैं। जैसे किसी त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है, इसी प्रकार अभिगृहित, अभिधारणा और प्रमेयों का उपयोग करके कुछ और प्रमेय सिद्ध किए जाते हैं, इन्हें उपप्रमेय कहा जाता है। ज्यामिति में उपप्रमेय और प्रमेय में इतना स्पष्ट विभाजन नहीं है, यह भी कई बार एक दूसरे के बदले उपयोग कर लिए जाते हैं। प्यारे बच्चों, अभी आप सर्वांग समता पर बातचीत कर रहे हैं। आपने त्रिभुजों के सर्वांग समता के बारे में तीन शर्तों को पढ़ा है। पहली शर्त है कि अगर दो त्रिभुजों की भुजाएं आपस में बराबर हैं, यानी एक त्रिभुज की तीन भुजाएं क्रमशः दूसरे त्रिभुज की तीन भुजाओं के बराबर हैं, तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। ये त्रिभुजों के सर्वांग समता की एक शर्त है। दूसरी शर्त है, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके बीच का कोण दूसरे त्रिभुज की क्रमशः दो भुजाओं और उनके बीच के कोण के बराबर है, तो वो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। और तीसरी परिस्थिति है कि किसी एक त्रिभुज की एक भुजा और उसके सिरों पर बने हुए कोण
दूसरे त्रिभुज की एक भुजा और उसके सिरों पर बने हुए कोणों के क्रमशः बराबर हो तो भी त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। तो ये तीन परिस्थितियां हैं, इनके बारे में आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा था। अभी हम इसके आगे की कुछ और शर्तें हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, आपके सामने एक और नई परिस्थिति है कि ऐसे दो त्रिभुज हैं जिनमें दो कोण क्रमशः दूसरे त्रिभुजों के दो कोणों के बराबर हैं और कोई अन्य भुजा जो उन दोनों कोणों के बीच में नहीं है, तो वो अन्य भुजा दोनों त्रिभुजों में बराबर है। यानी त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ में कोण ए कोण डी के बराबर है। यह हमने यहाँ लिखा हुआ कोण ए सर्वांग सम कोण डी के, और उसी तरह से कोण सी सर्वांग सम कोण एफ, कोण सी सर्वांग सम कोण एफ और भुजा बीसी भुजा ईएफ के बराबर है। इन परिस्थितियों में हमें देखना है क्या ये त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। आइए, आपको ये पता है कि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग दो समकोण या 180 अंश के बराबर होता है। तो उस गुण का उपयोग करते हुए हम देखेंगे कि त्रिभुज एबीसी के कोण ए कोण बी और कोण सी का मान या उनका योगफल त्रिभुज डीईएफ के कोण डी कोण ई और कोण एफ के बराबर है। इस कथन को हम लिख लें, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ में कोण ए धन कोण बी धन कोण सी बराबर त्रिभुज डीईएफ का कोण डी धन कोण ई धन कोण एफ, ये बराबर है 180 अंश के। अब आप देखिए, चूंकि कोण ए और कोण डी बराबर हैं, कोण ए बराबर कोण डी है और कोण सी कोण एफ के बराबर है, कोण सी कोण एफ के बराबर है। यदि हम इन्हें सीधे सीधे हटा दें चूंकि बराबर है, या फिर हम कोण डी की जगह कोण ए लिख लें और कोण एफ की जगह कोण सी लिख लें, तब भी हम देखेंगे कि दोनों पक्षों से कोण ए और कोण डी हट जाएंगे और यहाँ से कोण सी और कोण एफ हट जाएंगे। उस स्थिति में आपके पास बचेगा कोण बी बराबर कोण ई। अब आप देखिए, जो तीसरा कोण बचा हुआ था कोण बी, वो कोण ई के बराबर हो गया। ऐसी परिस्थिति में आप देख रहे हैं कि हमारे पास एक भुजा बी सी ऐसी है जो ई एफ के बराबर है और उसके दोनों सिरों पर बने हुए कोण, कोण भुजा बी सी के सिरों पर बने हुए कोण बी और कोण सी भुजा ई एफ के सिरों पर बने हुए कोण ई और एफ के बराबर है। और ये शर्त आप पहले पढ़ चुके हैं कि किसी एक त्रिभुज की एक भुजा और उसके सिरों पर बने हुए कोण दूसरे त्रिभुज की एक भुजा और उसके सिरों पर बने हुए कोण के बराबर है तो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इस परिस्थिति में त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज डी ई एफ के, और यही हमें सिद्ध करना था। बच्चों, अभी तक हम त्रिभुजों के सर्वांग समता पर बात करते आ रहे हैं और त्रिभुजों के सर्वांग समता में एक और ही महत्वपूर्ण प्रमेय हमारे सामने है जिसे हम प्रमेय 10.2 के नाम से यहाँ पर व्यक्त कर रहे हैं। यहाँ पर हमें ये देखना है कि क्या किसी समकोण त्रिभुज में यदि विकर्ण बराबर हो और एक भुजा कोई और भी बराबर हो तो क्या वो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं, यह हमें देखना है। तो एक काफ़ी महत्वपूर्ण प्रमेय होगा कि यदि हमारे सामने दो समकोण त्रिभुज हैं और उनके विकर्ण बराबर हैं, विकर्ण के साथ साथ एक भुजा और बराबर है, तब क्या वो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं, यह हमें देखना है। तो देखिए, आपके सामने दो त्रिभुज क्रमशः ए बी सी और डी ई एफ हैं और दोनों ही समकोण त्रिभुज हैं जिसमें ए बी सी कोण, यहाँ आप देख रहे हैं कोण
डी ई एफ के बराबर हैं क्योंकि दोनों समकोण हैं, और इनके विकर्ण ए सी और डी एफ भी आपस में बराबर हैं, और इसके साथ साथ एक भुजा बी सी दूसरे त्रिभुज के एक भुजा ई एफ के बराबर है, तब हमें यह सिद्ध करना है कि ऐसी परिस्थिति में दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। तो इसे सिद्ध करने के लिए हम एक छोटी सी रचना करते हैं, और इस रचना में दूसरे त्रिभुज की भुजा डी ई को हम पी तक बढ़ाते हैं, और इस तरह से बढ़ाते हैं कि ये जो बढ़ा हुआ भाग ई पी है वो बी ए के बराबर हो। तो हम रचना को लिखें, रचना में हम लिखेंगे कि डी पी डी ई को पी तक बढ़ाया, डी ई को पी तक बढ़ाया, और इस तरह से बढ़ाया कि जो नया खंड ई पी बन रहा है वो बराबर हो इस भुजा बी ए के। और फिर हमने जो बिंदु पी मिला उसे एफ से मिला दिया, तो हम लिखें पी को एफ से मिलाया, ये हमने रचना की। तो इस रचना से हमें एक नया त्रिभुज और मिलता है पी ई एफ। आप देख रहे हैं यह त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं लाल रंग से अंकित हैं, यह नया त्रिभुज पी ई एफ मिला। अब आप त्रिभुज पी ई एफ और ए बी सी में गौर करिए, हम इसे यहाँ अलग से लिख लें, त्रिभुज ए बी सी पहले लिख लें, त्रिभुज ए बी सी जो समकोण त्रिभुज है, और जो नया बना त्रिभुज पी ई एफ है इसको देखें, त्रिभुज पी ई एफ में हमने ए बी के बराबर पी ई बनाया है, तो पहले उसे लिख लें, या तो इसे हम इसे यहाँ से लिखें ई पी बराबर बी ए, ये हमने रचना की है। और जो बी सी है वो हमें दिया हुआ है कि ई एफ के बराबर है, पहले वाले दोनों त्रिभुजों में ये रचना दी हुई थी, तो ई एफ चूंकि इस त्रिभुज का भी भाग है तो हम लिखेंगे बी सी बराबर ई एफ। इसे पहले लिख लें, ई एफ को पहले लिख लें, हम लिखेंगे ई एफ बराबर बी सी, ई एफ बराबर बी सी, और चूंकि ये एक समकोण है और इस भुजा को हमने आगे बढ़ाया है यानी एक सरल रेखा है, तो ये कोण भी समकोण होगा, तो इस त्रिभुज का कोण पी ई एफ, कोण पी ई एफ बराबर होगा इस त्रिभुज के कोण ए बी सी के, और ये दोनों समकोण होंगे, 90 अंश के होंगे। और इन तीनों के आधार पर आप देखिए कि ई पी बी ए के बराबर है, ई पी बी ए के बराबर है, ई एफ बी सी के बराबर है, और ये कोण पी ई एफ कोण ए बी सी के बराबर है। तो इन तीनों के आधार पर आप कह सकते हैं कि ये त्रिभुज जो पहले का बना हुआ त्रिभुज था इस रचना से बने हुए त्रिभुज के सर्वांग सम है। तो आप लिख सकते हैं इस त्रिभुज के लिए त्रिभुज पी ई एफ सर्वांग सम है त्रिभुज ए बी सी के, ये आपको एक परिणाम मिला। और इस परिणाम का उपयोग करके आप इसके जो शेष अवयव हैं उनके बराबरी की बात करेंगे, तो हम इस कोण की बात करेंगे, कोण ए कह लें हम इसको, और इसे हम कोण पी कह लें। तो चूंकि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो इसके संगत अवयव बराबर होंगे, तो हम कह लें कि कोण ए कोण पी के बराबर है, तो इसे हम यहां लिखें, इस पूरे प्रकरण से हमें मिला कोण ए बराबर कोण पी। और साथ ही एक और चीज़ मिली कि जो इस त्रिभुज का विकर्ण ए सी है वो इस त्रिभुज के विकर्ण पी एफ के बराबर होगा, तो इसे भी हम लिख लें कि ए सी बराबर पी एफ। ये दो परिणाम हमें यहाँ से प्राप्त हुए, इनका हम आगे उपयोग करेंगे। एक बार फिर से देख लीजिए, हमने इस कोण को इस कोण के बराबर सिद्ध किया और इस विकर्ण ए सी को इस विकर्ण पी एफ के बराबर सिद्ध किया, ये एक परिणाम के रूप में हमें प्राप्त हुआ जिसका हम उपयोग करेंगे आगे। अब इन दोनों त्रिभुजों में देखिए, त्रिभुज फिर से इसे पहले लिखते हैं पी ई एफ, त्रिभुज पी ई एफ और त्रिभुज डी ई एफ में, डी ई एफ में
जब इन दोनों त्रिभुजों को आप एक साथ रखते हैं तो एक बड़ा त्रिभुज बनता है जिसे आप एफ डी पी कह सकते हैं। एफ डी पी में आप देखिए, हमने इस भुजा के बराबर इस भुजा को प्रदर्शित किया है, तो ये जो बड़ा त्रिभुज है, ये दोनों मिलकर एक जो बड़ा त्रिभुज बना रहे हैं, इसको हम लिख लें एफ डी पी, लिखें इसे त्रिभुज एफ डी पी में भुजा एफ पी भुजा एफ डी के बराबर होगी, क्योंकि ये दोनों बराबर थे और ये दोनों भी आपस में बराबर हैं, इसलिए ये दोनों भुजाएं भी आपस में बराबर होंगे। तो इसको हम इस कथन को इस तरह से लिख सकते हैं कि पी एफ बराबर एफ डी, इसे आप ऐसा कहें एफ पी बराबर एफ डी, एफ पी बराबर एफ डी। अब चूंकि ये दोनों भुजाएं बराबर हो गई, तो बराबर भुजाओं के सामने के कोण भी बराबर होंगे, यानी इस भुजा के सामने का कोण पी इस भुजा के सामने कोण डी के बराबर होगा। तो इस बात को भी आप लिख लें, इस कथन के कारण आप लिख पा रहे हैं कि कोण पी बराबर कोण डी, इसे हम पूरा लिखने के बजाय कोण पी कह रहे हैं और इसे भी पूरा लिखने के बजाय कोण डी कह रहे हैं, तो कोण पी कोण डी के बराबर हो गया। अब यदि कोण पी कोण डी के बराबर है और कोण पी को आपने कोण ए के बराबर लिखा है, देखिए आप यहाँ पर लिखे कोण ए और कोण पी बराबर है और यहाँ पर कोण पी कोण डी के बराबर है, तो इसका परिणाम आपको मिलता है कि कोण ए को आप कोण डी के बराबर कह सकते हैं, यानी अब इन दोनों त्रिभुजों में इन दोनों कोणों को आप बराबर कह रहे हैं। तो इस कथन को लिख लें कि इस कथन से और इस कथन से आपको एक परिणाम मिल रहा है कि कोण ए कोण डी के बराबर होगा, तो इसे भी आप लिख लें, इसलिए कोण ए बराबर है कोण डी के। अब इन दोनों त्रिभुजों को फिर से गौर से आप देखिए, जो सबसे पहले के हमारे दो त्रिभुज थे जिसमें दिया हुआ था कि ये समकोण है ये भी समकोण है, ये भुजा इस भुजा के बराबर है और ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है, इसमें आपने एक चीज़ और पाई है, वो ये कि ये कोण इस कोण डी के बराबर है। और ऐसी परिस्थिति में आप देख रहे हैं कि यदि इन दोनों त्रिभुजों के क्रमशः दो कोण आपस में बराबर हैं तो तीसरा कोण भी आपस में बराबर होगा, यानी कोण सी इस कोण डी एफ ई के बराबर होगा। तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण परिणाम है, इसे हम यहाँ पर लिखें कि त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ में, डी ई एफ में आप लिख लेंगे कोण ए सी बी, कोण ए सी बी बराबर कोण, इस कोण का नाम लिखे हम डी एफ ई, डी एफ ई। और देखिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण परिणाम आपके पास आया, इसके आधार पर क्या होता है, आपने कोण ए सी बी लिखा कोण डी एफ ई के बराबर, यानी ये जो आप कोण देख रहे हैं वो इस कोण के बराबर है, और देख रहे हैं ये कोण जिन दो भुजाओं के बीच बन रहा है उनमें पहले से ही हमको ये बराबर दिया गया था कि भुजा बी सी भुजा ई एफ के बराबर है। तो आप इसको इस तरह से कहें कि भुजा सी बी बराबर भुजा एफ ई, भुजा सी ए बराबर भुजा एफ डी, ये हमें पहले ही कथन में दिया हुआ था, और इन दोनों भुजाओं के बीच के कोण इन दोनों भुजाओं के बीच के कोण के बराबर हैं। ऐसी परिस्थिति में भुजा कोण भुजा सर्वांग समता के शर्तों के आधार पर आप इन दोनों त्रिभुजों का सर्वांग सम कह सकते हैं। ये दो चीज़ें आपके पास पहले से मौजूद थी, एक दोनों के बीच का कोण आपने बराबर सिद्ध किया, और इस आधार पर आप कह सकते हैं कि जो दोनों त्रिभुज हैं, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज डी ई एफ के।